तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और मैं उन भाइयों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जो जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे एडवाइस दी कि मुझे कैसे वीडियो पर शूट करना है और कैसे मैं अपनी बोलने की जो एनर्जी उसे बढ़ाऊँ और कैसे बोलूँ, उसके लिए जो उन्होंने मुझे एडवाइस दी उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक के बारे में या रिव्यू करने वाले हैं उस माइक का जो यूट्यूबर्स के लिए तो है ही, प्लस गाइस उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो लोग जॉब करते हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बोया माइक की। यह है गाइस हमारा बोया माइक, जो स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लस उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो लोग घर बैठे वर्क करते हैं इस कोरोना के टाइम पे। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम बोया माइक परचेस करते हैं तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है, और अगर आप बोया माइक परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं बट आप कंफ्यूज है कि हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो गाइस ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि आप इसे परचेस करें। और अगर पर्सनली गाइस अगर मेरा ओपिनियन जाने तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस माइक, बट ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं द हेल्पिंग पॉइंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा बोया माइक का बॉक्स। गाइज मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप इसे अमेज़ॉन से परचेस करते हैं तो इसकी जो अमेज़ॉन प्राइस है गाइज वो है 1190 रुपीज़ गाइज। यस गाइज, ये प्राइस मैंने दो दिन पहले ही देखी है, हो सकता है जब आप इसे परचेस करें तो प्राइस में थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ जाए गाइज, और हो सकता है कि आप जब इसे परचेस करें तो प्राइस और ज़्यादा कम भी हो जाए। तो ये है गाइज हमारा बोया माइक। तो मैं आपको उसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ गाइज कि हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस। तो ये किया मैंने इसको ओपन गाइस। तो जैसे गाइस आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैनुअल देखने को मिलता है, और इस मैनुअल के अंदर गाइस हमें देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड। ये देखिए गाइस, इसमें वारंटी कार्ड है, हालांकि इस पर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दी हुई है, बट ठीक है गाइस, इसमें हमें ये दो मिलते हैं। प्लस गाइस फिर आता है हमारा बोया माइक। ये देखिए गाइस, हमें इसके साथ बैग भी मिलता है जिस पे लिखा हुआ है बोया। यस गाइस, अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आपको ये साथ में मिलेगा गाइस, ऐसा नहीं है कि अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको इसके साथ ही मिलेगा। तो गाइस हम देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये है हमारा बोया माइक। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, इसकी जो वायर लेंथ है गाइस वो 20 फुट है, और 20 फुट गाइस बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक यूट्यूबर के लिए और उनके लिए जो जॉब करते हैं, ठीक है गाइस। और ये है हमारा माइक। ये है गाइस वो इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप अपने माइक को किसी डिवाइस के अंदर कनेक्ट करके उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप जैसे गाइस, इसमें हमें देखने को मिलता है गाइस एक तो कैमरा ऑप्शन और एक ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है गाइस। अभी जो आप देख रहे हैं कि ये ऑफ पर है, मतलब कि अभी ये स्मार्टफोन पर वर्क कर सकता है, और जैसे ही आप इसे कैमरे के ऑप्शन पे लेके जाएंगे तो ये जैसे DSLR कैमरा हो गया, या फिर PC में कोई आपको अगर कोई वॉइस मेल करना है तो वो भी इसमें आपको कैमरे के ऑप्शन को ऑन करना होगा। जैसे आप इसे अप करेंगे तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आके वर्क करना स्टार्ट कर देगा गाइस। गाइस इसमें हमको एक सेल मिलता है जो इसी के साथ आता है, वो ऑलरेडी मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है गाइस, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कि हमें इसको कैसे इंसर्ट करना है और कैसे इसको ओपन करना है गाइस। तो सिंपली गाइस आपको इसको यहाँ से ओपन करना है। ये देखिए, जैसे आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें जो सेल है गाइस वो देखने को मिल जाता है, एकदम छोटा सेल आता है गाइस। तो आपको एकदम ईजी और एकदम संभाल के गाइस इसे इसमें इंसर्ट करना है गाइस, ठीक है गाइस। और इसके साथ हमें मिलता है गाइस ये क्लिप का ऑप्शन, तो अगर आप चाहें तो इसे कहीं भी अपनी पॉकेट में कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस गाइस ये है हमारा माइक जो हर छोटी से छोटी वॉइस को कैप्चर कर लेता है। और गाइस इसके साथ हमें मिलता है एक और इक्विपमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस
अगर आप चाहें तो हमें इस बोया माइक के साथ हमारी क्लिप भी दी जाती है, अगर आप चाहें तो इसे अपनी कॉलर पे भी लगा के एक शूट कर सकते हैं। और प्लस गाइज हमें मिलता है एक और केबल के लिए इक्विपमेंट, अगर आप DSLR कैमरा में शूट करना चाहते हैं या कोई ऐसे ऑडियो रिकॉर्डर में शूट करना चाहते हैं जिसका इस तरह का कोई हो, तो आप सिंपली गाइज आपको ये जो केबल है इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो ये जैसे आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये बेसिकली गाइज आप देख सकते हैं अब ये दूसरी डिवाइस में इंसर्ट होने के लिए रेडी है। और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए तो आप इसे वापस हटा सकते हैं और अपने मोबाइल में वापस इंसर्ट कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था हमारा बोया माइक का रिव्यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज, और आई होप आप लोगों के कन्फ्यूज़ भी दूर हो गया होगा, क्योंकि ये माइक गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनके लिए जो यूट्यूबर्स हैं, और प्लस उनके लिए भी जो घर पे बैठे वर्क कर रहे हैं या जॉब करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये रही आज की हमारी वीडियो गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत पसीने आ गए हैं गाइज मेरी वीडियो बनाते बनाते, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।